क्या हमारे यूनिवर्स में ऐसा भी कोई चीज है जो कि लाइट के स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकता है? आइंस्टीन के थ्योरी के अनुसार से कोई भी चीज लाइट की स्पीड को अटेन नहीं कर सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता, लेकिन हमारे फिजिक्स में एक ऐसा भी मिस्टीरियस फेनोमेना मौजूद है जो कि लाइट के स्पीड से भी काफी तेज है, जिसे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी मिस्टीरियस फेनोमेना के बारे में जानने वाले हैं, जिसे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आपको कुछ नया और दिलचस्प बातें सीखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि यह टॉपिक कितना चर्चे में क्यों है। ईयर 2022 में फिजिक्स के तीन साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया गया था, जिन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को सक्सेसफुली प्रूव कर दिखाया, और इन तीन साइंटिस्टों का नाम कुछ इस प्रकार से था, एलन स्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटन जाइलिंगर। आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्या है। इंटेंगलमेंट का अर्थ होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। क्वांटम इंटेंगलमेंट फिजिक्स का एक बहुत ही अनोखा और माइंड ब्लोइंग फेनोमेना है, जो कि यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई भी दो चीज आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वह आसपास में हो या फिर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर हो। इतने दूर होने के बावजूद भी अगर किसी एक में कुछ बदलाव होता है, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के वजह से दूसरे में भी हमें वह बदलाव देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको फिल्मों में दिखाया जाता है। आप सभी ने ट्विन्स वाले फिल्में तो जरूर ही देखा होगा, जिस तरह फिल्मों में दो ट्विन्स होते हैं और दोनों इंटेंगल्ड होते हैं, लाइक अगर किसी एक को चोट आए तो दूसरे ट्विन्स को भी यह फील होता है, या फिर आप इसे दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। आइए इसके बारे में और भी डिटेल से जानते हैं कि आखिर यह कब से स्टार्ट हुआ था। 1964 में फिजिसिस्ट जॉन बेल ने अपने एक थ्योरी में कहा था कि इस तरह का चेंजेस हो सकता है भले ही पार्टिकल बहुत दूर में ही क्यों ना हो, जो कि आज के समय में मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट आइडिया माना जाता है। लेकिन जॉन बेल का यह आइडिया और फिजिक्स के वैसे कॉन्सेप्ट जो कि पहले से मौजूद है, उनमें बहुत ही टकराव देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी, कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता है, या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जो कि लाइट का स्पीड अटेंड कर सकता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जॉन बेल का इस थ्योरी को स्पूकी एक्शन का नाम दिया था। क्वांटम इंटेंगलमेंट एक विशेष प्रकार का सुपर पोजिशन है, जिसमें स्पेस में दो अलग अलग पोजिशन शामिल होते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लाइट है जो कि दो फोटॉन्स को एक समय पर रिलीज करता है, और यह दो फोटॉन्स आपस में इंटेंगल्ड हो सकते हैं, जिसमें कि दोनों फोटॉन्स का पोलराइजेशन सेम ही होगा, और यह दोनों फोटॉन्स कुछ समय के बाद बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम किसी एक फोटॉन्स का पोलराइजेशन चेंज करते हैं, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के वजह से दूसरे फोटॉन का भी पोलराइजेशन चेंज होगा, क्योंकि यह दोनों फोटॉन्स आपस में इंटेंगल थे, इसीलिए किसी एक में होने वाले परिवर्तन के अनुसार दूसरा भी अपने आप परिवर्तित हो जाता है। लेकिन फिर से यही क्वेश्चन आता है कि क्या यह सच में लाइट की स्पीड से भी तेज है? आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, इन्हीं दो फोटॉन्स में से एक फोटॉन्स अगर प्लूटो पे हो और दूसरा फोटॉन्स अर्थ पर हो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अर्थ से प्लूटो में भेजना हो, तो हमें हाई स्पीड यानी कि लाइट की स्पीड से जाने के बाद भी 6 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक फोटॉन्स को मेजर करें और दूसरे फोटॉन्स को उसी टाइम पर उसका स्टेट चेंज करें, तो जो पहला फोटोन है उसका भी स्टेट साइमल्टेनियसली चेंज होगा, जो कि यह दिखाता है कि तो में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता है, तो दूसरे फोटॉन्स का स्टेट 6 घंटे के बाद चेंज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ही जाता है और दोनों फोटॉन्स लाइट की स्पीड के अनुसार से 6 घंटे की दूरी पर हैं। यानी कि अगर हम किसी एक में चेंज कर रहे हैं, तो दूसरे को 6 घंटे तक यह नहीं पता होगा कि पहला का स्टेट चेंज हो चुका है, लेकिन यह साइमल्टेनियसली चेंज होता है, जिससे कि हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट लाइट से भी तेज है। अभी के समय में यह टॉपिक अपने रिसर्च फेज में है। अगर साइंटिस्ट इसमें और भी सफलता हासिल करते हैं, तो फ्यूचर में टेलीपोर्टेशन जैसे असंभव फेनोमेना का भी रास्ता खोल सकते हैं, और यह साइंस के फील्ड में आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल हो सकता है। और अगर इसमें साइंटिस्ट 100% सफलता हासिल कर लेते हैं, तो हमारा फिजिक्स ही पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमें एक लाइक जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।